हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम, एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो हमने अब तक दो सेशंस के बारे में डिस्कशंस कर लिया था, और आई होप कि आप सभी का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अच्छा गया होगा। तो अभी जो पेपर आपके गए हैं उसके बारे में ज्यादा सोच के मतलब नहीं है, जो आने वाले पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड आपको पता है इकोनॉमिक्स में ओवरऑल 4 मॉड्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे, सेशंस काफी बड़े हो जाते हैं। तो मुझे काफी सारे कमेंट्स मिल रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशंस कैसे करें, इकोनॉमिक्स में कितने मॉड्यूल्स पे क्या क्या चीजों को ध्यान दे। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले, बेसिकली हम हर मॉड्यूल को पूरा एक ओवरऑल रैपिड फायर रिविजन टाइप में रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हम रिवाइज करेंगे आज के सेशन में मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, और कल शाम को 6 बजे आपको एक सेशन मिलेगा, एंड दैट विल बी मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। तो हमने जो इसके पहली चीजें रिवाइज करी है उसका काफी बच्चों को बेनिफिट मिला है, इसीलिए मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स के लिए मार्केटिंग के लिए भी सेशंस रिकॉर्ड करें या सेशंस लाइव सेशंस ले। तो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन बेसिकली, तो आपका रिविजन होना चाहिए, इसलिए ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड हम जो फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर आज बात करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल आपको कल के दिन इवनिंग 6 o'clock तक मिल जाएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा दैट इज एनईपी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाला है एनईपी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पॉलिसी मेजर्स के ऊपर, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग एंड फाइनेंस, एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इतने बारों में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। एंड उसके साथ उस चैप्टर में क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, सारी चीजों के ऊपर फोकस आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो है वो क्लियर हो पाए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट फर्स्ट टॉपिक इज एनईपी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एनईपी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एनईपी 1991 में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस या रैशनल बिहाइंड दी एनईपी 1991, उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो थोड़ा डिटेल में था, आज मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा बिकॉज हमको दो मॉड्यूल्स को रिवाइज करना है। एनईपी का मेजर रैशनल क्या था, फिस्कल इम्बैलेंसेस, ठीक है, फिस्कल इम्बैलेंसेस, ये आपको याद रखना है। सेकेंड जो पॉइंट था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आए थे, तो आप सभी को पता है कि 1991 ईयर में पीवी नरसिम्हा राव तब प्राइम मिनिस्टर थे, और हम तब फिर एलपीजी का मॉडल लेके आए, दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा पॉइंट था हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इसके वजह से हमने जो है इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए थे, या हमारा जो बेसिक रैशनल था 1991 का। हम इम्पॉर्टेंट चेंजेस की अगर बात करें इन दी 1991, तो उसमें हमने फिर स्टेबिलाइजेशन मेजर्स के बारे में डिस्कस किया था, फिस्कल करेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, एंड कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए गए, ट्रेड पॉलिसी एंड कैपिटल इनफ्लोस के रिफॉर्म्स लिए गए, एज वेल एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए गए। फिर हमने उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज मैं अभी फिलहाल एनईपी पे ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, एनईपी हमने ऑलरेडी एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे जो एनईपी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अगर हम देखें उसके बाद, तो इसमें और एक पार्ट आता है जो आपको याद रखना है, दैट इज मेजर्स टू प्रमोट एजुकेशन, ठीक है। ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए टू प्रमोट द एजुकेशन, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पहले याद रखना है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाया गया, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर के पॉइंट्स आपके पास सारे बुक्स में अवेलेबल है, मैं एक मेजर चीज़ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक RTE का एक्ट बनाया था, ठीक है, कौन सा एक्ट बनाया, RTE एक्ट,
और ये कौन से ईयर में बना, ये 2009 ईयर में बना, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान दैट इज SSA, तो सर्व शिक्षा अभियान बना। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दैट इज कॉल्ड एज RMSA। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेशर्स लिए गए टू प्रमोट द एजुकेशन, तो उसमें से कुछ मेशर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज NPE, नंबर सेकंड इज राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009 में, फिर सर्व शिक्षा अभियान बनाया SSA, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बनाया, फिर उसके बाद एक रूसा भी बनाया। रूसा याद रखना, मेन इम्पॉर्टेंट। रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, ये भी बनाया। फिर और बहुत सारे स्कीम्स लाए गए फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन, मिड डे मील, मॉडल स्कूल स्कीम, साक्षर भारत, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी एज, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लाया गया। किसके लिए, कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे NEP और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ इम्पॉर्टेंस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के भी पढ़ने हैं, कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंस क्या है, और NEP जो है 1991 वो भी आपको पढ़ना है। देन हमने कुछ मेशर्स के बारे में डिस्कस किया कि ऐसे क्या क्या मेशर्स लिए गए टू प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम, प्रमोट बेसिकली द एजुकेशन। तो देर वेर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, देर वेर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस, एंड सम ऑफ द स्कीम्स वी हैव डिस्कस नाउ। ठीक है, ये स्कीम्स याद रखें मेन। देखो, एक्सप्लेनेशन तो आप अपने बेसिस पे बना के लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ये स्कीम्स को याद रख के जाओगे तो दैट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू। ऐसे ही कुछ मेशर्स थे रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ केयर, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर की कुछ अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसमें कौन से मेशर्स रिलेट किए गए वो भी डिस्कशन करेंगे रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ केयर। इसमें भी बहुत सारे मेशर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये भी पॉइंट रिवाइज करके जाना प्रॉपरली। तो अगर हम रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें तो सबसे पहला क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन लिया गया। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें के बारे में, मतलब लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या नए नए स्कीम्स लेके आए, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस थे जो फैलते थे प्रोग्राम्स, उससे रिलेटेड लेके आए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड प्रोग्राम लेके आए, राष्ट्रीय स्वच्छता स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज RSBY, शॉर्ट फॉर्म याद रखना RSBY। देन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लेके आए, विच इज़ कॉल्ड एज PMSSY, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये स्कीम्स के नाम याद रख के जाना। देन नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली लेके आए, विच इज़ कॉल्ड एज NPHCE लेके आए। देन राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बेसिस पे एक स्कीम लाई गई, विच इज़ कॉल्ड RAN। देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाया गया इन द ईयर 2017। मैं सिर्फ आपको पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा मॉड्यूल रिवाइज हो जाए, और मेन चीज़ आपने इसके पहले सारी चीज़ें पढ़ी होगी तो आपको ये ओवरऑल रिवीजन थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है। अगर आप अभी ही डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये जो मैं पॉइंट्स बात कर रहा हूँ व्हाट आर द पॉइंट्स अबाउट। सो देर वेर सर्टन स्टेप्स टेकन, देर वेर मेनी स्कीम्स फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर, एंड सम ऑफ द स्कीम्स वी हैव डिस्कस ओवर हियर। इसमें एक जो पॉलिसी बनाई गई थी वो आपको याद रखनी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। कौन से ईयर में बनाई गई है, 2017 ईयर में बनाई गई है, एंड देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलोसेंट हेल्थ के लिए भी पॉलिसीज बनाई गई, स्कीम्स बनाए गए, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाए गए फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर। तो इसमें अभी हमने मॉड्यूल वन में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा,
फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एनईपी के बारे में डिस्कस किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अभी हम जो अगले पार्ट में जाएंगे, जो आपके मॉड्यूल वन का ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच इज कॉल्ड एज SDGs, एंड उसके रिलेटेड जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली है क्या, इट इज फॉर द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, अभी के जो नीड्स हैं उस नीड्स को सेटिस्फाई हम करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स लगते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, फ्यूचर भी हार्म ना हो। तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जैसे कि नो पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा बहुत सारा है। तो देर आर एन नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर हम बात करें कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो आपको याद रखने हैं टोटल हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, और ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नो पॉवर्टी, ये हमारा एक गोल है नो पॉवर्टी। ठीक है, नो पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द गोल। नो पॉवर्टी में बहुत सारे स्कीम्स लिए गए, मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नेशनल अर्बन लाइवलीवुड मिशन। तो ये एक स्कीम लिया गया फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी या इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीवुड्स मिशन। सेकंड लिया गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ऐसे हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसको आप प्रॉपरली पढ़ के लगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्या क्या उससे रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं आई है। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके स्कीम्स मतलब पॉलिसीज से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उससे रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक कंसेप्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ मेक इन इंडिया। ठीक है, आपने देखा होगा अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ को कहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में प्रोड्यूस करें। उससे क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली जो है वो बन पाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की बढ़ सकती है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया में अगर हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंसेप्ट आता है, आपको सभी को पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज़ कॉल्ड एज FDI। तो किस लिए हम मेक इन इंडिया ला रहे हैं या मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड मेक इन इंडिया या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड मेक इन इंडिया। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं। 25 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, अगर प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन दी 25 सेक्टर्स बेसिकली, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को देखें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का प्रमोशन करना चाहते हैं 25 सेक्टर्स में। फिर हम क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो हमारा GDP है, GDP उस शेयर को हम बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर जो इंडिया का रैंक है वो रैंक को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारा रैंक आगे आ जाए ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रोथ के मामलों में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामलों में GDP जो है वो हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए। फिर इनोवेशन
के लिए भी मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेके आए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो इनोवेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए। तो ये जो मेक इन इंडिया है ना, इसके फोर पिलर्स है। अभी ये फोर पिलर्स ध्यान रखना, आपका थोड़ा और रिविजन हो जाए। फोर पिलर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पिलर क्या है हमारा, न्यू प्रोसेस। इसमें क्या कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो आप किस तरीके से अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड जो फॉलो किया जाएगा दैट विल बी अबाउट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेकंड किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। थर्ड किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, न्यू सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो मेक इन इंडिया के जो फोर पिलर्स है, दैट इज नंबर वन न्यू प्रोसेस, नंबर सेकेंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर थर्ड न्यू सेक्टर्स, एंड नंबर फोर्थ जो हमारा है दैट इज न्यू माइंडसेट। तो वी आर गोइंग टू हैव दिस फोर पिलर्स। ये फोर पिलर्स पे ही मेक इन इंडिया जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा रेलवेज है, डिफेंस है, इंश्योरेंस है, मेडिकल डिवाइसेस है, ये हायर लेवल्स पे ओपन होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा होगी, फिर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल ओपन किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेल है ये 2014 में ओपन हुआ। फिर DIPP हैज़ सेट अप ए स्पेशलाइज्ड टीम जापान प्लस एंड कोरिया प्लस, मतलब उन लोगों को भी हम इंडिया में एक्टिविटीज़ करने के लिए उनका भी हम हेल्प लेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो वी आर हैविंग फोर पिलर्स इन द मेक इन इंडिया। मेजर इसका गोल, मेजर इसका ऑब्जेक्टिव, मेजर इसका पर्पस एक ही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा आ पाए, और FDI अगर ज़्यादा आएगा तो कंट्री का ग्रोथ ईजिली हो सकता है। दैट इज़ द मेन रैशनल, एंड यू शुड रिमेंबर द फोर पिलर्स, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। इफ यू रिमेंबर दिस फोर पिलर्स एंड इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क इन द पेपर, सो दैट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस फोर पॉइंट्स, जो फोर पिलर्स है इसके, ठीक है, वो आपको याद रखने। फिर इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया या इन्वेस्ट इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को प्रमोट किया गया। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ये सेटअप किया गया 2010 में, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर है, मतलब ओवरऑल की लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ को प्रमोट करे और उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाए, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, बिकॉज आप सभी को पता है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स या FII हम उनको कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जब वो किसी कंट्री में आएगा तो उस कंट्री का ग्रोथ क्विकली होगा, जल्दी होगा, बिकॉज फॉरेनर्स के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो क्वांटम ऑफ फंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया, इन्वेस्टिंग इन इंडिया। फिर एक इसमें एक कंसेप्ट आता है स्किल डेवलपमेंट का, आपने नाम भी सुना होगा, दैट इज स्किल्ड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्सेस लाए थे अबाउट द स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस लाए थे, बहुत सारे इससे रिलेटेड इवेंट्स किए थे। तो इनका मेजर पर्पस एक ही था कि स्किल को प्रमोट करे, लोगों में प्रमोशन हो। तो 2020 में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, दैट इज़ अबाउट द स्किल डेवलपमेंट। फिर उसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो NSDM। फिर नेशनल पॉलिसी बनाई गई स्किल डेवलपमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे, दैट वाज इन द ईयर 2015। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाया, दैट इज़ PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देन संकल्प बनाया गया, संकल्प SANKALP, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर स्किल डेवलपमेंट, दैट इज स्किल्स एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीवुड्स मिशन। तो ये भी एक बनाया गया संकल्प, तो ये लाइवलीवुड्स प्रमोशन बेसिकली, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीवुड्स प्रमोशन। सो बेसिकली दीज ऑल एक्टिविटीज गवर्नमेंट हैज डन फॉर दिस स्किल डेवलपमेंट। उड़ान या स्किल के लिए लोन स्कीम बनाई गई, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि हम ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उससे रिलेटेड पॉइंट्स को आगे लेके जाए, या हमारे जो
फ्यू मेशर्स उससे रिलेटेड लिए गए, वो आपका टॉपिक नंबर सेकेंड हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज दी वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिसी मेशर्स टेकन। तो इसमें मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया गया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इवेंट्स किए गए, बहुत सारे इससे रिलेटेड योजनाज या स्कीम्स बनाई गई है। अब हम हमारे मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कंट्री टू डेवलप। एज वी ऑल नो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन डेफिसिट, एंड वाई इट इज़ इन डेफिसिट हमको पता है, बिकॉज हमारे देश का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बैलेंस है उसमें प्रॉब्लम है। कैसे? हमारे देश से एक्सपोर्ट तो है, एक्सपोर्ट तो बाहर जा रहा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमारा इम्पोर्ट जो है वो मोर है। इफ़ आवर एक्सपोर्ट इज़ लेस एंड आवर इम्पोर्ट इज़ मोर, देन देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डेफिसिट, इसी को हम डेफिसिट कहते हैं। तो हमारे BOP में डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारे देश में ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, और हमारे देश से बाहर के कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट होस्ट कंट्री के लिए क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ कॉस्ट भी है। जो होस्ट कंट्री है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। दूसरा, इसमें आपको एक एजेंसी के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज FIPB, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या है? ये बेसिकली एक बोर्ड है, वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करता है। वो ये देखता है कि फॉरेनर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, या उससे रिलेटेड क्या क्या प्रपोजल्स है, गवर्नमेंट्स का उसमें कैसा अप्रूवल है, रिकमेंडेशंस देंगे और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। और बेसिकली हम इसमें देखें तो प्रमोट करना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन इंडिया, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाना, फिर एक सिंगल विंडो स्कीम बनाना, ताकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं अभी इंडिया में कैसे होता है, देखो इंडिया में अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में दो रूट से आता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट, और एक होता है गवर्नमेंट रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट की बात करें हम, तो इसमें क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। ठीक है, गवर्नमेंट रूट की बात करें तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल इस चीज़ों को बाइफरकेट करना, फिर जो FDI की पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें हेल्प करना, ये पूरा इस FIPB का काम है। FIPB जो है वो FDI के प्रपोजल्स को और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देने के लिए बॉडी एस्टैब्लिश किया गया था। ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था वो भी आप याद रख सकते हैं। ये एस्टैब्लिश किया गया था 2017 के ईयर में, 2017 ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। और उन्होंने फिर उसमें क्या बताया था कि 11 सेक्टर्स को गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिफरेंट मेशर्स भी लिए गए, तो अभी हम थोड़ा सा मेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि FDI जो है, FDI से रिलेटेड क्या ऐसे मेशर्स लिए गए, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट FIPB, अभी हम मेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेशर्स के लिए ना न्यू FDI पॉलिसी बनाया, न्यू FDI पॉलिसी बनाया गया, एंड दैट वॉज इन द ईयर 2017। अगर हम न्यू FDI पॉलिसीज की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे। एलिजिबल इंडियन एंटिटीज़ जो है, LLPs जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई इट्स डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट टू RBI एंड FIPP। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडियन एंटिटीज़ जो है या LLPs जो है, उनको RBI को और FIPP को नोटिस इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी बन जाएगा। इट mentions द परसेंटेज ऑफ FDI अलाउड एंड एंट्री रूट फॉर वेरियस सेक्टर्स। इट also अलाउज startups टू issue convertible notes, एंड इट allows कन्वर्जन ऑफ FDI funded LLP into a company under automatic route and under certain conditions। तो ये सब आपके बुक्स में दिया हुआ है जो मैंने अभी पढ़ लिया है। तो बेसिकली अगर हम
ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मेजर्स की बात करें तो जो भी पहले काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को या उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमने न्यू FDI 2017 बनाई। और न्यू FDI 2017 में हमने क्या किया, सर्टन रूल्स को ऐड किया, और ऐसे कुछ रूल्स थे जो हमें लगते थे कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस रूल्स को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। दैट इज़ द बेसिक पर्पस, दैट इज़ द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में एक तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हमने बनाया, जो हमने अभी डिस्कस किया, FIPB। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के कुछ मेजर्स लिए गए, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर एक कंसेप्ट आता है जो इस चैप्टर का ही पार्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड MNCs। MNCs इज कॉल्ड एज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, बहुत सारी टाइप की कंपनीज होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी, ये आपका पूरा टाइप ऑफ कंपनीज का कंसेप्ट है। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी आता है, फिर इंटरनेशनल कंपनी आता है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी आता है, फिर ग्लोबल कंपनी आता है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में तो हमको मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ना है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन एक देश में हुआ है, जिसको हम होम कंट्री कहते हैं, बट उसके जो ऑपरेशंस है, उसका जो बिजनेस है, वो बाकी सारे कंट्रीज में भी फैला हुआ है, जिसको हम होस्ट कंट्री कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस जो है, या मल्टीनेशनल कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, वो एक कंट्री में हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया में एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ इंडिया में, लेकिन इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे होम कंट्री। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे होम कंट्री। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जापान में भी बिजनेस करता है, US में भी बिजनेस करता है, स्विट्जरलैंड में भी बिजनेस करता है, रशिया में भी बिजनेस करता है, जर्मनी में भी बिजनेस करता है। तो ओवरऑल ये जितने भी अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, इसको हम कहेंगे होस्ट कंट्री। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? होस्ट कंट्री। तो होम कंट्री में भी बिजनेस करता है, एज वेल एज होस्ट कंट्री में भी बिजनेस करता है। इनकॉर्पोरेशन एक देश में हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे एक्टिविटीज दूसरे देशों में वो कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो आपको ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से पढ़ना क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के क्या रोल है। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के क्या रोल, क्या है रोल ऑफ MNCs, और उसके साथ आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो दिस इज दी ओवरऑल सिस्टम। आपको फर्स्ट मॉड्यूल मैंने अभी ओवरऑल एक शॉर्ट तरीके से रिवाइज करवाया है। सारी चीज़ें अगर पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर टॉपिक का एक बेसिक क्रक्स आपको दे दूँ, ताकि जो भी चीज़ें आपने अगर पहले से पढ़ी है, तो दिस विल बी जस्ट एज अ रिविजन पार्ट फॉर यू, कि इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल ये पूरा मॉड्यूल हमको कहना क्या चाहता है। तो मॉड्यूल नंबर वन की अगर हम बात करें, तो मॉड्यूल नंबर वन हमको ओवरऑल कहना क्या चाहता है, मॉड्यूल नंबर वन हमको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया देता है। उसमें हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, गोल्स के बारे में, पॉलिसी मेजर्स के बारे में, एंड अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडिया में होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हमने मॉड्यूल नंबर वन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं हम हमारे मॉड्यूल नंबर टू पे। मॉड्यूल नंबर टू की अगर हम बात करें, तो मॉड्यूल नंबर टू में सबसे पहला जो पार्ट है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, NAP, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। फिर एग्रीकल्चरल प्राइजिंग एंड फाइनेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सिंपल मॉड्यूल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अगर हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, उसके बारे में इस पूरे ओवरऑल पार्ट में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी।
जिसको हम कहते हैं NAP, जो मैंने आपके साथ अभी बात की, एंड जो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 28th of July 2000। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, एंड नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। तीनों चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना। हम अगर ओवरऑल एक डिस्कशन करना चाहे तो फीचर्स में लैंड रिफॉर्म्स है, टैक्स रिफॉर्म्स है, फिर वो प्राइवेट का पार्टिसिपेशन कैसे था, डेवलपमेंट कैसे था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपके फीचर्स में आएगी। मेजर ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स में था कि ग्रोथ जो है मोर देन 4% पर एनम का ग्रोथ, ये मेजर इसका ऑब्जेक्टिव था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का। जो हमारे रिसोर्सेस थे उसका प्रॉपर कंजर्वेशन करना है, एफिशिएंट यूज करना है, कंजर्वेशन करना है अबाउट सॉइल वाटर एंड बायोडायवर्सिटी का, ग्रोथ विद इक्विटी, सस्टेनेबल ग्रोथ जो हमने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस भी है, एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, एंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनकरेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की अगर बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में आपको ये तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नंबर वन है फीचर्स, नंबर सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स, एंड नंबर थर्ड है आपके इम्प्लीकेशंस। अगर हम अभी नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बाद के पॉइंट को डिस्कस करें तो दैट इज़ एग्रीकल्चर प्राइजिंग, एग्रीकल्चरल प्राइजिंग एंड फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस और फाइनेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्राइजिंग पॉलिसी जो बनाई है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाई थी? तो कंटिन्यूड सप्लाई के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बूस्ट मिले, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट हो पाए, इंसेंटिव्स मिल पाए, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली जो है प्राइजिंग पॉलिसी बनी। अभी प्राइजिंग पॉलिसी की अगर बात करें तो प्राइजिंग पॉलिसी में सबसे पहले आपको याद रखना है ईयर 1964 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कमिटी एस्टैब्लिश की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर झा, और ये जो कमिटी थी उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किए स्टेप्स, किससे रिलेटेड, सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो FCI एंड APC ने 1965 में जो आउटकम आया इस कमिटी के रिकमेंडेशन का, उसके बेसिस पे ये जो पॉलिसी बनी। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम इसमें बात करें तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको याद रखने हैं, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, फिर बफर स्टॉक, जो स्टॉक हमने बफर के लिए रिजर्व रखा है, और एक होता है हमारा PDS स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज राशन की दुकान, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है इस पॉलिसी के, MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नंबर सेकेंड इज प्रोक्यूरमेंट प्राइस, नंबर थर्ड इज बफर स्टॉक, एंड नंबर फोर्थ इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस भी थे, तो एक बार जस्ट वो लिमिटेशंस को भी गो थ्रू करके पेपर में आपको जाना है। अगर हम एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें, एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस मतलब क्या है, ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोन दिए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सबसे पहले लोन का बाइफर्केशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के बेसिस पे लोन, ये आपका फर्स्ट है। इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, इसमें मीडियम टर्म लोन्स आएंगे, और इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फिर दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पसेस के बेसिस पे कैसा, मतलब क्या ज़रूरत है उसमें आपका, अगर हम बात करें तो आपका प्रोडक्टिव लोन आएगा, प्रोडक्टिव लोन, एंड दूसरा आएगा आपका अनप्रोडक्टिव लोन। ठीक है, काफ़ी सिंपल पार्ट है जो एक एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ एज पर द सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योर्ड पॉइंट आएंगे इसमें, सिक्योर्ड लोन,
और इसमें आएंगे अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, जो फाइनेंस के लिए मेजर बाइफर्केशन है दैट वी आर डिस्कसिंग। अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर देखें तो दैट इज एज पर द लेंडर, तो लेंडर की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और यहाँ पे आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है, लेंडर के बेसिस पे। फिर आपको इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन का पॉइंट हो गया, क्लासिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ सोर्सेस के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि जो सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस है, ये अगर आपने सारी बातें पहले से पढ़ी है तो दिस विल बी अ रिविजन फॉर यू। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप के सोर्सेस आते हैं हमारे, एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बहुत ही सिंपल है, देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में गवर्नमेंट आता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो आते हैं, RRBs आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जिसको हम कहते हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंसिंग आती है। तो ओवरऑल इसमें इंस्टीट्यूशनल में सारे बैंक्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से अगर हमने पैसे लिए हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। देन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमने NABARD की शुरुआत की। जैसे कि अगर हम बात करें बैंकर्स बैंक कौन है, RBI है, वैसे जहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी वहाँ पे NABARD का जिक्र किया जाएगा। NABARD कभी फॉर्म हुआ, NABARD फॉर्म हुआ 12 जुलाई को 1982 को NABARD फॉर्म हुआ। NABARD का बेसिक पर्पस यही है कि हम एम्पावरमेंट लाए, डेवलपमेंट लाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाए, बेसिकली इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज को हम डेवलप कर पाए फाइनेंशियल बेसिस पे, डेवलपमेंटल बेसिस पे और सुपरविजन बेसिस पे। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स में NABARD में काम किया है, मतलब NABARD ने बहुत सारे स्कीम्स लाए बेसिकली। SHG का कंसेप्ट भी NABARD ने ही लाया, दैट इज दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कंसेप्ट जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंकेज करने का काम बेसिकली NABARD ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, ये सारे जो पैरामीटर्स है उस पर NABARD ने काम किया है। तो NABARD की अगर बात करें तो NABARD इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ये बैंक एस्टैब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 को ये एस्टैब्लिश किया गया। और ओवरऑल RBI ने जो रूल्स बनाए हैं वो NABARD उसी के रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर लेवल पे रूरल डेवलपमेंट के लिए होती है वो सारी NABARD के लिए होती है। तो हमने दो मॉड्यूल्स को रिवाइज कर लिया है, नेक्स्ट सेशन में आपको थर्ड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू, आपको हर मॉड्यूल का बेसिक क्रक्स मैंने बता दिया कि हर चैप्टर या हर मॉड्यूल में से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, नेक्स्ट पार्ट टू में मिलते हैं टुमारो इवनिंग 6 o'clock। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा दे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।